शिट यार फिर से। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमोन डार्क राइजिंग वर्जन। जहाँ पे गाइस पिछली बार हम लोग आ चुके थे इस अटलांटिक सिटी में, एंड गाइस आज हम जाने वाले हैं इस अटलांटिक सिटी के जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों को मैं अपनी टीम दिखाना चाहता हूँ। चैंप, अ फ्लेम एंड मार्शल हमारा लेवल 24 का है, बट आगे चलकर आई गेस कि मैं अच्छी खासी ट्रेनिंग करा दूंगा इसकी। तो आज ना मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस इस सिटी का मैंने ऑलरेडी टूर कर दिया है आप लोगों को। तो आज कह सकते हो कि बेसिकली मैं जाने वाला हूँ इस सिटी के जिम लीडर को चैलेंज करने के लिए। देखते हैं सर, यहाँ पर सिटी का जिम लीडर जो है वाटर टाइप ट्रेनर है। हमारे पास एक भी इलेक्ट्रिक टाइप मूव आई गेस सो कि है थंडर पंच हमारे फ्लेम के पास, बट ओके। सो ये यहाँ पे पीट के डैड हैं। ओके शुक्रिया, उन्होंने हमारी तारीफ की, बट मैं उन्हें अभी बता नहीं सकता कि हमारे डैड यहाँ पे मिसिंग है। शायद वो फिर से फिल्स टाउन में जाके हम मेरी मॉम को बता देंगे। वेल अपना काम अच्छे से करना, तुम हमारी फिल्स टाउन को प्राइड फील करा रहे हो। ध्रुव हे पीट, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? ध्रुव, मैंने हमारे डैड की इस सच में मदद कर रहा हूँ। मैंने उन्हें कन्फ्यूज कर दिया कि मैं टाइफून को चैलेंज करूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं हार गया। फेसिंग दैट गाय इज ऑलमोस्ट लाइक फेसिंग अ टाइडल वेव। ओके वेल एटलीस्ट तुमने अपनी जान अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। यू नो इट, नो रिग्रेट्स। ओके अटलांटिक सिटी पोकेमोन जिम लीडर टाइफून द टाइडल ट्रेनर। ऑल राइट गाइस, यार एक वाटर टाइप जिम मुकाबला है। हाय डारिया। वेल हेलो अगेन ट्रेनर। ओह तुम फिर से आ गई। टाइफून जो है वो वाटर टाइप पोकेमोन में मास्टर है। मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम ग्रास टाइप पोकेमोन के साथ जाओ, बी वॉर्न। हाउएवर उसके पोकेमोन्स रेसिस्ट है इलेक्ट्रिक टाइप से भी। ओके तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बैटल जाएगा हमारा, बट यार देखना होगा कि लास्ट टाइम की तरह डारू किसी फिर से आता है कि नहीं। मतलब यार मुझे लगता है कि 101% की वो आएगा, क्योंकि गाइस यार वो हमारे पीछे पड़ चुका है यार। मतलब कि उसको क्या लेना देना है ना हमसे वो मुझे पता नहीं है। बट हाँ, मार्शटॉम्प ऐसे पोकेमोन के खिलाफ थोड़ा सा जो है वो आगे आने वाले बैटल्स डिफिकल्ट जा सकते हैं, बट उन सभी के लिए गाइस यार आप लोगों को तो पता ही है हम रेडी हैं। मैं यहाँ पे रेडी हूँ उसको हराने के लिए। देखते हैं गाइस यार, यहाँ पे प्राइमल के खिलाफ तो अपना फ्लेम है ही, थंडर पंच दे देंगे। जैसे कि अभी यहाँ पे अपने फ्लेम जो है लेवल 31 पर है, तो सामने वाले टीम के पोकेमोन के लेवल 20-25 आने वाले हैं, तो उसके लिए भी गाइस यार मुझे रेडी रहना होगा। हमारे फ्लेम को के थंडर पंच को थोड़ा सा मुझे कह सकते हो ना कि धार अच्छे से करनी पड़ेगी, ताकि जो बैच हम अच्छे आसानी से जीत सके गाइस यार। ओके बस एक लास्ट बैटल बचा है हमारा, उसके खिलाफ भी गाइस यार मैं कंप्लीट कर देता हूँ। वैसे भी गाइस यार ये फ्लेम अपना फ्लेम ही बचा हुआ है, मार्शल को तो अभी और ट्रेनिंग की ज़रूरत है, एंड मुझे पता नहीं है कि मार्शल कोई अच्छा अटैक दे सकता है, बट मार्शल को हम अच्छा मूव सिखा सकते हैं। सो गाइस यार यहाँ पर मैं हीलिंग करके जो हूँ आ चुका हूँ। फर्स्ट ना हम जाएंगे यहाँ पे गाइस यार फ्लेम के साथ ही थंडर पंच के इस्तेमाल से। ओके ये टोटली वीक बैटल था, तुमने कहा कि मैं नेक्स्ट हूँ। राइट ये राइट है टाइफून, मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। ये तुम वही गाय नहीं हो जिसने मुझे ह्यूमिलेट किया था। ओके देन तुमने मेरी जे इओन से सीन लिया था। शिट यार फिर से। ओके हियर वी गो, थ्रू द गेम वर्सेस द डारुकिस्ट होस्ट टाइफून। मतलब यार मुझे लगा ही था कि ये डारुकिस्ट ना हमारा पीछा छोड़ने नहीं वाला। ओके सो हियर वी गो गाइस, यहाँ पर भी मैंने थंडर पंच दे दिया है पॉलीटोड को। ओके एक और हिट देने की जरूरत है, हिप्नोसिस मिस हो गया, अच्छी बात है। यहाँ पे तो एक और थंडर पंच के साथ जाते हैं, एंड दैट्स इट। यहाँ पे हमने हरा दिया है गाइस यहाँ पे पॉलीटोड को, लेवल 22 का था एंड हमने उसे सक्सेसफुली डिफीट करा दिया। ओके नेक्स्ट अप है गाइस लूडिकोलो। ओके तो ये थोड़ी सी गाइस गड़बड़ करा सकता है, तो इसके खिलाफ क्यों ना मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ अपने चैंप को। 5 पोकेमोन अभी भी उसके पास स्टिल है, तो उसके खिलाफ हम जाएंगे गाइस स्लैश के साथ। प्लीज़ वर्क हो जा। ओके वर्क हो चुका है, एक और स्लैश के साथ जाता हूँ। उसका मेन पोकेमोन कौन सा है मुझे अब तक पता नहीं है, बट जिसको सबसे ज़्यादा सिट्रस बेरी की हीलिंग हो जाएगी मुझे लगता है कि वो उसका मेन पोकेमोन रहेगा। प्लीज़ यार आइस पंच डाउन ना करें तो बेहतर होगा। शिट यार मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे अपना फ्रोजन हो जाएगा चैंप, बट अब फ्रोजन हो चुकी है हमारी चैंप। तो मुझे लगता है ना कि जो आने वाले 5 बैटल्स गाइस जितने हो सकते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट जाने वाले हैं।
तो यहाँ पर ना मैं वैसे भी वो आइस क्रीम के साथ ही जाने वाला है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे चेंज करा देता हूँ। यस मुझे लगा ही था कि वो आइस क्रीम के साथ ही जाएगा, तो मैं अभी यहाँ पे जाता हूँ सीधा यहाँ पे थंडर पंच के साथ एंड लूडिकलो को डाउन कर देता हूँ। तो ये पूरा का पूरा बैटल ना गाइस अभी फ्लेम के ऊपर ही है, बट कुछ कुछ पोकेमोन उसके रेसिस्ट है इलेक्ट्रिक टाइप के खिलाफ भी, जैसे कि अभी मार्शटॉम्प आ गया। ओके तो क्यों ना गाइस यहाँ पर अभी हम जाएंगे मार्शटॉम्प वर्सेस अपना मार्शल, देखते यार अभी ये बैटल जो है वो अल्टीमेट बैटल में करा रहा हूँ यहाँ पे। अभी भी गाइस उसके पास चार पोकेमोन स्टिल है, तो क्यों ना इसके खिलाफ ना हम जाएं गाइस यार ड्रेन पंच के साथ। ड्रेन पंच पहले तो मड स्लैप दे देते हैं, थोड़ा सा उसकी एक्यूरेसी को जो है वो कम करार देंगे। ओके अर्थक्वेक दे दिया, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था यार अर्थक्वेक। तो क्यों ना यहाँ पे मैं जाता हूँ अर्थ पावर के साथ, ये मेरा बेस्ट मूव है अब तक का। ओके यार थोड़ा सा डैमेज देना बच गया। ओके अर्थक्वेक दे दिया उसने फिर से, ओके बच गया मैं। ओके अर्थक्वेक दे देते हैं, एक और अर्थक्वेक के साथ जाते हैं, उसने हाइपर पोशन करा दिया एंड दैट्स इट। मार्शल वर्सेस मास्टर के खिलाफ हमारा मार्शल जीत चुका है। नेक्स्ट अप के खिलाफ मैं लेकर आना चाहूंगा अभी फिर से मैं फ्लेम को लेकर आना चाहता हूँ। थैंक यू मार्शल, तूने मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर दी। ओके तीन पोकेमोन अभी भी उसके बचे हुए हैं। ओके पॉलीरैट उसके खिलाफ मुझे जल्द से जल्द डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको थंडर पंच दे दिया है मैंने, अरे यार थोड़ी सी एचपी बच गई। ओके रेन डांस करा गया, सब लोग को रेन डांस करने में क्या मज़ा आ रहा है ना पता नहीं, बट कोई बात नहीं यार, जितना वो लोग कह सकते हो ना टैक्टिक्स के साथ जा रहे उतना मैं ऑफेंस के साथ जाऊँगा। ओके मैंने थंडर पंच दे दिया है एंड दैट्स इट। पोलेरा को भी गाइस हमने यहाँ पे डिफीट करार दिया है। सो नेक्स्ट अप देख लेते हैं कौन है यहाँ पे। ओके फ्लेम जा चुका है लेवल 33 पर, थैंक यू। चलो अच्छी बात है यहाँ पे गैराडोस। ओके तो ये पोकेमोन मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा परेशानी देने वाला पोकेमोन है, तो अभी ना मैं क्या करता हूँ यहाँ पे फिर से जाते हैं गाइस यहाँ पर अभी थंडर पंच के साथ। थंडर पंच दे देता हूँ, प्लीज यार वन हिट नॉकआउट दे दे, 10 लेवल आगे है हम उससे। जी हाँ गाइस यहाँ पर हमने फ्लेम ने थंडर पंच दे दिया अच्छे से, बस एक लास्ट पोकेमोन बचा है उसका, तो देखता हूँ मैं यहाँ पे जो कि गाइस सेस्मिटॉड। ऑल राइट तो सेस्मिटॉड के खिलाफ ना यहाँ पे ये थोड़ा सा बैटल डिफिकल्ट जाने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि मैंने चेंज ना करा के थोड़ी सी गलती कर दी है। ओके वाटर पंच दे दिया उसने एंड शिट हमारा फ्लेम गाइस यहाँ पे कन्फ्यूज हो चुका है। मुझे लगा था कि ये बैटल ईजी जाएगा, बट सेस्मिटॉड इज द रेसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मूव्स, तो अभी मुझे जाना होगा गाइजर यहाँ पर भी फायर पंच के साथ ही, और कोई मुझे मेरे पास मूव है भी नहीं। शिट यार अभी ऑलमोस्ट मैं डाउन होने ही वाला था, प्लीज दे दे फ्लेम। शिट गाइजर यहाँ पर अपना फ्लेम जो है वो HP 4 पे रहकर बच चुका है, तो क्या करे गाइजर। वाटर पल्स से मैंने हीलिंग करा दी है फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे फ्लेम की, तो मैंने देखता हूँ यहाँ पे अभी फायर पंच थोड़ी सी ऑफ स्क्रीन में हीलिंग करा दी गाइजर, क्योंकि वैसे भी और टाइम हो जाता था। ऑल राइट तो फायर पंच से फायर टाइप तो हो चुका है, अभी मुझे लगता है ना कि ये हील के साथ जाएगा, फुल हील के साथ। यस अभी क्यों ना गाइजर एक और फायर पंच दे देते हैं एंड इसको फिर से जो है वो फायर कर देंगे। यार प्लीज बर्न हो जाए, यस बर्न हो चुका है, तो क्यों ना गाइजर अभी मैं फिर से एक बार जो हूँ फायर पंच के साथ जाता हूँ, एक अपना हाकरी वाला फायर पंच। प्लीज ये वाटर पल्स को झेल ले, यस झेल लिया है अपने फ्लेम ने एंड अपना फास्ट लास्ट फायर पंच देख के सेस्मिटॉड को आउट ऑफ द बैटल करके हमने ये बैटल गाइस यार जीत लिया है। फाइनली हमने हरा दिया है गाइस यार टाइफून को। मेरे डैड कहाँ पे है? वो सुना ये लो बच्चे ये सुनामी मैच। शिट यार मैं टाइम पे जो है वो गाइस यार पूछना भूल गया। दारू किस कहाँ पर है, क्या तुम्हें कुछ याद है? ऐसा लगता है कि मैं एक बैड ट्रिप पे चले गया था, मैं थोड़े टाइम के लिए ब्लैंक आउट हो चुका था, बट मैंने तुम्हारा बैटल देखा, ये काफी ज्यादा अच्छा था। ये ट्रिप थोड़ी सी मेरी एक लाल डेंजरस आंखों से शुरू हो गई, एक ईवी लॉक से। मेरी ट्रबल के लिए तुम ये रखो। ओके TMO3 हमें मिल चुकी है जो कि है वाटर पल्स, बट हमें गाइस यार अभी तक मिली नहीं। क्या हुआ तारिया, क्या कहती हो? इम्प्रेसिव, तुमने टाइफून को हरा दिया, आर्शियस ने तुम्हें चुना है। तुझे कैसे पता कि आर्शियस के बारे में? गाइसर सच्ची में ना ये गेम हमें ऐसे गोल 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 घुमा रहा है ना जितना कि मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ इस गेम में। बट इस वीडियो को गाइसर यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आई नो ये शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो था, बट इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर दे रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है वो लाइक कीजिएगा। अगर आप
चैनल पर भी ना हो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, मुझे गाइस इधर फॉलो कीजिएगा, मेरी सोशल मीडिया की लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, गो चेक इट आउट गाइस, आप लोग चेक करते नहीं हो यार, डिस्कॉर्ड पे भी फॉलो कर लो, हम डिस्कॉर्ड पे भी एक्टिव रहते हैं, इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लो, इतने कम फॉलोवर्स हैं हमारे। तो मैं अभी सीधा मिलता आप लोगों से नेक्स्ट अप पोकेमॉन डार्क राइजिंग अगले एपिसोड में। कल गाइस हम ऑफिशियली सिटी को लीव कर देंगे, कुछ बचा नहीं है अभी इस सिटी में, तो वैसे भी गाइस हमने कल ही एक्सप्लोर कर सैटरडे ही एक्सप्लोर कर ली थी इस सिटी एंड आज जिम बैच भी अर्न कर लिया, तो अभी जिम में तो इस सिटी में तो हमारा कुछ है नहीं, तो हम कल लीव कर देंगे, बट तब तक के लिए गाइस यार गुड बाय।